प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 19 अगस्त तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है शनिवार को कि हम उनके अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहे, धन्यवाद 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 पिता, हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, कितने श्रेष्ठ तरीके से प्रभु ने हमें सुरक्षा दी, हमारी गाड़ियों को प्रभु ने संभाला, अनर्थों से हमें बचाया, हमारी जरूरतों को सब प्रभु ने पूरा करके दिया। अच्छा चरवाहा बनकर हमें सहायता की, उसके लिए हम धन्यवाद कहे, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु ने जो अच्छी नींद देकर आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद कहे, ये परमेश्वर की कृपा नहीं रही क्या मेरे प्रिय लोग? इसलिए धन्यवाद कहे प्रभु की दया के लिए, प्रभु की कृपा के लिए, आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज जगने का प्रभु ने ये मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद कहे। हमारे जैसे कितने लोग सोए लेकिन उठ नहीं पाए आज के दिन, बहुत सारी परेशानियां आज के दिन वो सामना कर रहे, लेकिन प्रभु की कृपा से, आरोग्य के साथ, कृपा के साथ हमें प्रभु की उपस्थिति में आने का प्रभु ने मौका दिया, इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। आज के दिन प्रभु हमें जयवंत हमें चलाते हैं उसके लिए हम धन्यवाद कहे, धन्यवाद 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 प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद कहे, अनर्थ छुड़ाने वाले परमेश्वर को धन्यवाद कहे, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर को धन्यवाद कहे, हालेलुया 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 हालेलुया। पिता हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपका जो प्यार हमारे ऊपर प्रबल हुई उसके लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, हालेलुया। हर एक दिन आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु आपके प्यार को अनुभव करने के लिए हम में कोई खूबी नहीं, लेकिन यीशु मसीह में हमें वो योग्यता मिली है उसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह में हमें धार्मिकता मिली है उसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह में हमारे पाप से हमें छुटकारा मिला उसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह का लहू हमारे हर एक पापों से हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है, हमें शुद्ध करता है उसके लिए धन्यवाद, हमें अनुग्रहित और आशीषित हमें आपने बनाया उसके लिए धन्यवाद, अपना बेटा अपनी बेटी बना के हमें आपने हमें चुना उसके लिए धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 87:8-9 में कहते हैं, हालेलुया। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है, हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्यकर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है, हालेलुया आमेन। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपको ही धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम एक साथ आपकी उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम से आपके और देखते हैं प्रभु। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद, अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद, आरोग्य से हमें जगाया उसके लिए धन्यवाद, आज के दिन जयवंत हमें चलाते हैं आपके प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को हम आशीषित करते हैं, ये संदेश सुनने वाले लोगों के परिवार आशीषित करते हैं, इनका बच्चे आशीषित रहे, इनकी नौकरी आशीषित रहे, इनकी हर एक जगह जहाँ काम करते वो सब आशीषित रहे, सब चीजों में आशीष को अनुभव करने वाले हो, इनमें जो आपकी भलाई है वो दूसरे देखकर प्रभु वो आपकी ओर खींचे जाए, हालेलुया प्रभु, ये आप में आशीषित लोग हैं करके जान सके, जैसे अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर के बच्चे है करके सब जान सके परमेश्वर, आपका अनुग्रह इनके ऊपर भरपूरी से, उसके लिए धन्यवाद, आपने एक चिन्ह इनके ऊपर आशीष का लगाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु, आप इनके जीवन में आज के दिन फलदायक आप करते हैं उसके लिए धन्यवाद, आज का दिन फलदायक आप बनाते हैं हमारे लिए उसके लिए धन्यवाद, आपके लिए प्रवृत्ति करने वाले, आपके नाम की महिमा करने वाले आज का दिन बने हम सब का, हालेलुया। जो रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, जो बवासीर से या पायल से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से
घोषित करते हैं, यूरिक एसिड जो बढ़ गया है उसके कारण से, जो बाहर से है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे, जो डायबिटीज मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है सालों साल से, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे, हड्डियों में जो कमजोरी आ गई है, हड्डियां जो पिसने की जो अनुभव है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, जो गर्दन वो मोड़ नहीं पा रहे हैं, गर्दन के नीचे जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे, हर एक ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए, प्रभु आपकी महिमा आपके बच्चों के ऊपर भरपूरी से हो, आरोग्य भरपूरी से हो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। जो भी भार से प्रयास से जो भी गुजर रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं है, आर्थिक विषय में जो भार से है पिता, जो भी कमजोरी या कमी घटी है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, कि संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों के जीवन में जो भी कमी घटियां है वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हालेलुया। प्रभु आपकी प्रवृत्ति आपके बच्चों के जीवन में प्रवर्तित होती है, उसमें धन्यवाद। आहार के लिए जो भार से है, पानी के लिए जो भार से है, जिनको नौकरी नहीं है, एक अच्छा कपड़ा नहीं है, ऐसे जो भार से है, जो भी प्रयास से गुजर रहे हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार आपके बच्चों के लिए आपने खोल दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। प्रभु आपकी प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हालेलुया। जो सेवकाई में जो सुसमाचार सुनाने वाले प्रिय दास दासियां हैं, प्रभु आप उनको आशीषित करें, कल के पवित्र सभाओं को आप आशीषित करें, आने वाले दिनों में जो 7 दिन का प्रार्थना उपवास के दिन है वो आशीषित रहे, बहुत बड़ा श्रेष्ठ मीटिंग रहे। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे, परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आप अपने जीवन में अनुभव करें, हालेलुया। और याद रखिए, हमारा 2 तारीख सितंबर से हमारा प्रार्थना और उपवास के दिन रहेंगे, तो आप उसके लिए अभी से ही प्रार्थना करें, मीटिंग में भागी होने के लिए आप जो भी कर्मीकरण करना है वो अभी से करें, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन में भरपूरी से आशीष बरसाएंगे, इसलिए आज से ही, अभी से ही हम मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, हर तरीके से हम तैयारी कर लें, हालेलुया। और आज से हम प्रार्थना करते रहें और तैयारी करते रहें, हालेलुया। आमेन, परमेश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। वचन के अध्ययन देंगे, कुलुसियों की किताब 3:17, उसमें लिखा गया है कि और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, हालेलुया। ये जो लेखन है परमेश्वर के लोगों को, चुने हुए लोगों के लिए, पवित्र सभा के लिए लिखा गया लेखन है, हालेलुया। पवित्र सभा मतलब यीशु मसीह के लहू से धुले हुए, नया जीवन प्राप्त करने वाले, अनंत जीवन के को प्राप्त करने वाले लोगों के लिए लिखा गया है कि और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का नाम हर एक नामों से ऊंचा है, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जो करते हैं उसमें कभी पराजय नहीं होता, उसमें कभी हार नहीं होता, लेकिन सिर्फ जय ही जय है, हालेलुया। इसे जो भी करते हैं यीशु मसीह के नाम से करें। आज सुबह हम एक निर्णय ले, मैं अपने जीवन में पराजय के बारे में नहीं सोचूंगा, हार के बारे में नहीं, लेकिन जय के बारे में सोचूंगा, और जो भी करेंगे यीशु मसीह के नाम से करूंगा। और यीशु मसीह के नाम से करने में क्या होता है, उसमें आप विजय प्राप्त करोगे। वचन कहता है यीशु मसीह के नाम से ऐसे ऐसे करे, करके यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि वो नाम में अधिकार भरा हुआ है। पिता ने सारा अधिकार जो है यीशु मसीह के नाम में रखा है, हालेलुया। इसलिए वो नाम जब हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर कहते हैं कि वो नाम ना ले, मेरा नाम हर चीज में ना ले, लेकिन अब नए नियम में हमें सिखाते हैं कि जो भी करते हैं सब में हम यीशु मसीह के नाम से कार्य करने वाले हो, क्योंकि वो नाम में हमें जय मिलता है, हालेलुया। फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि हर एक घुटना टिकती है किसके सामने, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया, हालेलुया, वह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो क्यों हुए, ताकि हमें उनमें
आशीष मिल सके, हालेलुया। उन्हें मृत्यु भी सहली ताकि हम में आशीष मिल सके, हालेलुया। वह अति महान भी किया और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, हालेलुया। यीशु मसीह में हर एक नाम झुकती है, हर एक घुटना झुकती है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में अद्भुत कार्य होते, यीशु मसीह के नाम में बहुत सारे अद्भुत कार्य हम देख सकते हैं, जैसे कि बच्चे जो है बहुत सारे प्रचार के द्वारा सुनते हैं, उनको ज़्यादा समझ तो नहीं आता लेकिन कोई परिस्थिति में वो जाते हैं तो बिना जाने यीशु मसीह के नाम में होगा करके मैंने सुना था, बोल के जब वो करते हैं या घोषणा करते हैं उस परिस्थिति में वहाँ पे अद्भुत कार्य वो देखते हैं, हालेलुया। हमने सुना भी है, बहुत सारे गवाहियाँ हमने सुनी है, यीशु मसीह के नाम में कोई भी चीज़ नहीं है जो वापस उसकी उसका सामना करके या उसमें जय हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें हर चीज़ में जय मिलता है। कभी कभी एक बार या दो बार नहीं, हमें निरंतर हम बोलते रहेंगे तो हम उसमें निश्चय आशीष पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह के नाम में अगर रोग के ऊपर चंगाई घोषित करते हैं तो वो पूरा होगा। अगर कोई रोगी को देख के हम ये ना बोले कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को ये रोग है अभी, बोल के निकलने के लिए नहीं, हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने, हमें अधिकार दिया है कि यीशु मसीह के नाम से उस रोग को बाहर निकाले, हालेलुया। परिवार में अगर किसी के जीवन में खुशी नहीं है तो वहां पर ये ना बोले कि अरे चलता है या होता है, ऐसे बोल के निकलने के लिए नहीं, उनमें जो कमी या घटी है वो यीशु मसीह के नाम से हो। अगर खुशी नहीं है तो खुशी यीशु मसीह के नाम से घोषणा करे, समाधान नहीं है तो यीशु मसीह के नाम से समाधान घोषणा करे, हालेलुया। और निश्चय तौर से यीशु मसीह के नाम में वो सब पूरा होगा, हालेलुया। प्रभु ने हमें ये अधिकार दिया है यीशु मसीह के नाम में अद्भुत कार्यों को इस भूमि में सृष्टि करने के लिए, हालेलुया। इसे ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, माता पिता, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करें और भवनों में, नगरों में, राज्यों में, देश देशों में परमेश्वर का समाधान दुनिया भर में हो, दुनिया भर में परमेश्वर का प्यार हो, पर दुनिया भर में और परिवार में परमेश्वर की खुशी भरपूरी से हो। जब हम ऐसे निरंतर हम वचन की घोषणा करते रहेंगे तो हम वो पूरा होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम से हम जो भी करते हैं, जो वचन बोलते हैं वो अद्भुत कार्य करने हैं। वो अब आपके बच्चों के जीवन में हो, आपके आपके पारिवारिक जीवन में हो, या आपके भौतिक जीवन में हो, या आत्मिक जीवन में हो, कोई भी चीज़ में हो, आपके राज्य को लेकर हो, आप यीशु मसीह के नाम से घोषणा करेंगे तो वो पूरा होगा। और अनेक अनेक बहुत सारी गवाहियाँ होने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं आज के दिन, हालेलुया। प्रभु आपने ऐसे किया उसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान नश लिखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली favored. God bless you. God bless you. God bless you.